गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल अभीक्षा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं अपनों के साथ अपना व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा लास्ट डे का व्लॉग था जो मैं ट्रिप पे गई थी। सो ये व्लॉग बेसिकली हम यहाँ वृंदावन में हैं एंड वृंदावन से लेके ये व्लॉग जो है वो बरसाने तक जाएगा। मतलब हमने सारे व्लॉग जो भी दो तीन व्लॉग थे मैंने सबको मर्ज कर दिया है। सो यहाँ पर मैं, मेरी बुआ में, मेरे बगल में जो है मेरा भाई जो है ब्लैक टी शर्ट में, मम्मी पापा हम सब लोग बस निकल गए हैं और ये है मेरी छोटी सिस्टर शिक्षा। सो हम सब लोग निकल रहे थे, वृंदावन में ही थे मतलब, और हम निकल रहे थे यहाँ से वहाँ के लिए, निधिवन के लिए, सॉरी निधिवन और बाँके बिहारी इन सब के लिए निकल रहे थे। मेरी मम्मी हैं जो बहुत प्यारी सी स्माइल पास कर रही हैं। सो वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आगे का जो भी पूरा वीडियो है मैं वॉइस ओवर पे ही करूँगी, बिकॉज क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ में होते हो तो बहुत सारी आवाज़ें एक साथ आती हैं, तो आप जो बात करते हो वो वैसे भी सुनाई नहीं देता। तो इसीलिए मैंने सारी जो आवाज़ें थी वो म्यूट कर दी और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले हमको कहाँ जाना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हम जहाँ रुके थे ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी करके एक आश्रम बोलते हैं या होटल जो भी बोलते हैं, यहाँ पर रुके थे। हमने पहले सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने सबने अपने अपनी पसंद की चीज़ें खाई, मैंने खाया आलू का पराठा। यहाँ पर बहुत सारे, ये जमुना जी के जस्ट सामने वाली जगह है, एकदम जमुना जी जहाँ पर होती हैं उन्हीं के जस्ट सामने की जगह है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे जिनको लोग केले खिला रहे थे, हमने भी खिलाए, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है बंदरों को केला खिलाना। यहाँ पर आप देख रहे हो कितने क्यूट क्यूट छोटे छोटे, बहुत सारे तो अपने पेट में यू नो चिपका के घूम रहे थे, जो आई गेस उनकी मम्मियाँ थीं वो उनको चिपका के लेके जा रही थी। जमुना जी के पास हम रुके थे, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी हमें लगा कि हमने तो दर्शन ही नहीं किए जमुना जी के, तो हम काफ़ी देर गाड़ी में बैठे थे। जब थोड़ा सा बारिश बंद हुई तो हम गए, लेकिन बहुत ही मतलब भीड़ थी और सच बताऊँ तो लोग ऐसे एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे थे ना, कि थोड़ा सा हम डिस्टेंस मेंटेन थे, बट मैं हो नहीं पा रहा था। जमुना जी के जस्ट सामने का ये जो है, ये आपको पेड़ दिख रहा है, इसकी टहनियाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण जी इसी पर बैठ के, जब उन्होंने गोपियों के कपड़े चुराए थे तो वो इसी इन्हीं पेड़ पर बैठे थे, इन्हीं टहनियों पर बैठे थे। सो बहुत ही स्पेशल लगा। और हम यहाँ पर आ गए हैं निधि वन में, निधि वन का ये थोड़ा सा खेल, एक्चुअली बंदर इतने थे ना कि उनके डर के निकालते थे, कभी चुने कभी प्रसाद खींच रहे, कभी चश्मा खींच रहे, थोड़ा सा परेशान। उसके बाद यहाँ पर हमें खतरनाक एक के ऊपर एक इंसान चढ़ा हुआ था, मतलब एक दूसरे को लोग धक्का मार रहे हैं, उसी में झापड़ मार रहे हैं, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, इतनी भीड़ थी। तो बाकी बिहारी जी का साउंड सुन के इतना अच्छा लगा, उनके दर्शन करके दिल ऐसे खुश हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। और मम्मी मेरी लगभग हर दुकान पर रुक रही थी सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के लिए, उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी, उनके लिए मुकुट, तो बहुत सारी चीज़ें हमने, बहुत सारी चीज़ें ली उनके लिए, हमने टोकरी ली, बास्केट ली। उसके बाद शाम का पहले ही, तो इसके बाद हमने यहाँ पर बस चाय पी थी कि चाय पी के हम प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेंगे। तो हमने शाम को चाय पी, फिर हमने प्रेम मंदिर में दर्शन किया, बहुत ही सुंदर लग रहा था, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी। मैं पहले दो बार आ चुकी हूँ बट इस बार ना लाइटिंग थोड़ा कम थी, देखो ऊपर की लाइटिंग नहीं जल रही है, आप देख सकते हो आपको व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है, वरना ये व्हाइट वाला हिस्सा नहीं दिखता, ये पूरा का पूरा ऐसा कलरफुल रहता है। और ये एक छोटी सी फोटो, ये है बुआ, पापा और दीदी, मैंने कहा कहीं फोटो मम्मी देखो, मम्मी को दिखा रही है उनको, काला जी को दिखा रही है रास्ता, हाईवे दिखाते हैं मम्मी, कल भी उनको हाईवे दिखाया, बाल ले ली ना, बाल लगाई है, अपना दिन व्यवस्था के ग्लास का टूरिस्ट का चल भैया।
नाम ईशो का है। और ये हम रास्ते में खाते पीते, पहले हमने खीरे लिए, ककड़ी ली, मतलब ना जब आप ट्रैवल करो तो ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं कि जो बस ना जो कि बहुत ही रॉ चीज़ें होती हैं वो अच्छी लगती है खाने में। तो हमने भुट्टे वुट्टे भी खाए, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ पर मैं और बुआ डिस्कस कर रहे थे कि आगे हम कहाँ कहाँ चलेंगे। ट्रिप हमारा थोड़ा लंबा था लेकिन हमने ट्रिप पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो हमने यहाँ पर हम जा रहे हैं बालाजी के दर्शन के लिए। मैंने अपनी छोटी बहन को पहले ही समझा दिया था, क्योंकि मैं दो बार गई थी तो मैंने उसको समझा दिया कि लिपस्टिक लगा के नहीं जा सकते, स्लीवलेस पहन के नहीं जा सकते। मैंने ना उसको थोड़ा ज़्यादा ही मतलब ऐसे बता दिया, मतलब चिढ़ाने के पर्पज़ से, और वो इतना परेशान हो गई। वो अपना दुपट्टे से हाथ वाथ कवर कर रही थी बार बार, और वो परेशान हो गई कि लिपस्टिक छुड़ानी है, लिपस्टिक छुड़ानी है, लाइनर छुड़ाना है। बट ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पर ना अलाउड हाँ बहुत लोग अपना फ़ोन निकाल रहे थे, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ना व्लॉग में इसीलिए मैंने पूरा व्लॉग ना मिक्स कर दिया। मैं चाहती तो इसमें बहुत सारी बातें करके व्लॉग को लंबा करती, लेकिन जो छोटी छोटी क्लिप्स थी ना मैंने उन्हीं को ऐड करके बस एक व्लॉग बना दिया। सामने आप पहाड़ देख रहे हो, ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा था पहाड़ बालाजी जाते वक्त। यहाँ पर हम खा रहे हैं भुट्टा, मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। मम्मी आगे बैठी है क्योंकि मम्मी ने लड्डू गोपाल जी को लिया था, तो इसीलिए मम्मी को आगे बैठना था ताकि वो आराम से लड्डू गोपाल जी भी बैठ सकें, और उनको भी रास्ते भर हम खिलाते पिलाते खूब अच्छे से लेके गए। ओवरऑल बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, फैमिली ट्रिप था, तो मतलब दिल खुश हो गया। रास्ते में हम यहाँ रुके थे, हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना देते हैं, बुआ है सब लोग, मतलब थोड़ा होता ना कि पहले तो देखो ऐसा है नहीं कि फैमिली बहुत यूज टू है कैमरा की, लेकिन इतने सपोर्टिव हैं सब लोग, इतने सपोर्टिव हैं। ये वीडियो का डिस्कशन आप देख रहे हो, मतलब पापा भैया मिलके इतना डिस्कशन कर रहे हैं मेरे वीडियो के लिए, इतना ज़्यादा ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे कैसे बनाओ, अच्छे से बनाओ और बढ़िया से बनाओ। मतलब भाई मेरा मुझे आइडियाज़ दे रहा था, मतलब बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। सो यहाँ पर मैंने दो तीन वीडियो भी बनाए हैं, रील वीडियो, जो कि मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाइए देखिए, और मेरी शक्ल यहाँ पर देखने लायक हो रही है, मतलब कुछ भी बना रही हूँ मैं शक्ल, कभी कभी खुद भी अजीब सा लगता है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं वॉक करते हुए के लिए पैदल। यहाँ पर हम किसी बात पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, मतलब ऐसा होता है कि हम जब सब साथ में होते हैं ना, मतलब हम पांचों लोग, मैं, पापा, मम्मी, भाई, बहन, मम्मी तू देख ले, चलो चल देख ले, दो दो आराम कर अरे अभी तो वहाँ है मंदिर, अभी ऊपर बहुत सीधी चढ़ाई है एकदम, हम ही नहीं कर पा रहे, नहीं बेटा हम नहीं एकदम नहीं चढ़ पा रहे हैं, तुम्हारा घुटना काम नहीं करता है। और जो बुआ है मेरी, मतलब हम अगर पांचों लोग मिल जाए ना फिर तो बात नहीं खत्म होती। हमने इतनी बातें की हैं इन चार दिनों में, इतनी बातें की हैं, रास्ते भर बातें, हर जगह बातें। रूम में आने के बाद भी हम एक ही रूम में बैठे रहते थे जबकि हमारे पास थे दो तीन रूम, लेकिन हम तभी बैठे रहते थे, सिर्फ रात में सोने जाते थे। इतनी बातें हमने की हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ से मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ कि राधा रानी के महल से नीचे का कैसा लगता है, बहुत ही सुंदर सा लगता है। एंड भीड़ भी अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे, काफ़ी अच्छी भीड़ थी। और क्योंकि बरसाने आए हैं तो मेहंदी तो लगवानी ही है, तो यहाँ पर मैंने, मम्मी ने, बुआ ने, हम तीनों लोगों ने मेहंदी लगवाई, हाथ में भी लगवाई, पैर में भी लगाई, बहुत ही सुंदर सी मेहंदी लगाई थी उन्होंने, डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर थी। सो ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा रहा, हमने इतनी बातें की कि हमारा गला बैठ गया, हम लोगों की आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा, मतलब गला तो बहुत ही ख़राब हो गया, बट बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। आई जस्ट होप कि आपको ये लास्ट पार्ट अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगता तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो आएंगे। ये जो पूरा व्लॉग था ये लड्डू गोपाल जी को डेडिकेटेड था, सब अच्छे अच्छे से हो गया, ऐसे ही वो अपनी कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और हर किसी के लिए खुश रहिए। कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। कोई बढ़ रहा है, किसी को आगे बढ़ते हुए देखने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो हमको बुरा लगेगा, चाहे जो भी हो। तो हमेशा सबका सपोर्ट करिए, सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करिए, अच्छा लगता है जब लोग साथ में होते हैं। और
भगवान की कृपा से हमारा भी सब कुछ अच्छा है, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू।